नमस्कार दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज लेके आया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो। गाइज, आज का वीडियो है कैमरे पर, मींस आज कार एक्सेसरीज पे मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि मैं कौन सा कैमरा खरीदने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो ये वीडियो आप पूरा देखें। साथ ही साथ मैंने 700 वीडियो बनाए हैं फोन से, और अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए, स्विच करना चाहिए कैमरे के लिए। तो कैमरा कौन सा खरीदें, कहां से खरीदें, ये काफी चीजें दिमाग में चल रही थी। तो मैंने करीब 15 दिन रिसर्च किया यूट्यूब पे, क्योंकि मैं भी एक क्रिएटर हूं। तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो मैंने डिसाइड किया कि कैनन का कैमरा लेना चाहिए, बिकॉज उसके लेंसेज वगैरह काफी सस्ते हैं। और भी जो किट लगभग बनेगी 1 लाख रुपए की बनेगी ये किट, जिसमें लेंस होंगे और अपना गिम्बल भी सोच रहा हूँ आज खरीद लूँ। तो बजट मेरा 1 लाख का है, और देखते हैं कितने का कैमरा मुझे मिलेगा, कौन सा कैमरा मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम द्वारिका, और द्वारिका कैनन के आउटलेट पे मैं देखता हूँ मेरे लिए बेस्ट कैमरा कौन सा होगा मेरे बजट के अनुसार। तो गाइज, अभी हम चल दिए हैं द्वारिका की ओर, और मैं मेरे साथ मेरे भाई हैं। भाई एक बार हेलो बोलना मास्क हटा के, इधर कैमरे की तरफ। हेलो। तो गाइज, ये मेरे भाई साहब हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, और हम दोनों भाई मिलके आज जा रहे हैं कैमरा लेने। तो आज सबसे बड़ी खुशी है कैमरे की, दूसरा भाई साथ है, मतलब मजा आ रहा है। बड़े भाई आज मुझे कैमरा दिलाने जा रहे हैं। भैया पैसा आप ही दोगे ना? तो अभी हम जा रहे हैं कैमरा परचेज करने द्वारिका, और ये काफी फेमस शॉप है, यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर ने फर्स्ट कैमरा परचेज किया है। तो आज मेरा भी फर्स्ट कैमरा इसी शॉप से होगा, तो द्वारिका सेक्टर 7 अभी हम पहुंचने वाले हैं। मैंने गूगल मैप लगा लिया है, और यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी कम है। नॉर्मली पेंडेमिक से पहले, कोरोना से पहले काफ़ी ट्रैफिक होता था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं हैं बाहर, और कम से कम गाड़ियाँ बाहर दिख रही हैं, तो नॉर्मली ट्रैफिक है। अभी चलते हैं सीधा शॉप पे। गाइज, फाइनली आ चुका हूँ मैं कैनन इमेज स्क्वायर, जो कि है द्वारिका में, और अभी हम चलते हैं अंदर। हेलो सर, कैसे हो? सर, एक ब्लॉगिंग के लिए कैमरा लेने आया हूँ मैं यूट्यूब के लिए। तो वैसे मैंने काफ़ी रिसर्च किया है यूट्यूब पे कि मुझे कौन सा कैमरा लेना चाहिए। अप्रोक्स बजट जो मेरा है वो है 60,000, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? बजट में आपके लिए दो कैटेगरी आएंगी, एक मिररलेस में आएगा और एक DSLR में आएगा। ओके, मिररलेस में जाते हो तो एक कैनन का M50 Mark II लेटेस्ट मॉडल आया है। ओके, 4K वीडियो के साथ एडवांस मॉडल है, लाइव स्ट्रीमिंग इसमें इन बिल्ट। ओके, आई थिंक यही M50 है, M50 Mark II। ओके, सिंगल लेंस आता है 15-45 किट लेंस होता है। तो ये ब्लॉगिंग पर्पस से परफेक्ट कैमरा है? बिल्कुल सर, ब्लॉगिंग के लिए आप अपने इजीली, लाइट वेटेड, कॉम्पैक्ट है, तो इजीली आप इसको ब्लॉग कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसमें इसी बजट में एक और कैमरा है, ये 200D आता है DSLR। ये हमें क्यों नहीं लेना चाहिए ब्लॉगिंग के लिए, ये बताइए प्लीज। थोड़ा सा ये आ जाते हैं बल्कि में। ओके, थोड़ा वेटेड ज्यादा होते हैं, बल्कि होते हैं, तो जो ब्लॉगर होते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं, वो लाइट वेटेड कैमरा लेना चाहते हैं जिससे कैरी इजी कर सकते। अच्छा, इसमें लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं है ऐसा कुछ मैंने सुना है? स्ट्रीमिंग भी नहीं। अच्छा, इसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग है। ओके, तो फाइनली वैसे मैं काफ़ी रिसर्च कर चुका हूँ, M50 Mark II मैंने डिसाइड किया था, लेकिन मैंने सोचा था कि अगर कुछ ऑप्शन मिलेगा तो मैं उसको भी खरीद लूँगा। तो अभी आपने ये सजेस्ट किया, तो हम ये फाइनल करते हैं। इसके साथ हमें क्या क्या मिलेगा, इसके लिए हम देखते हैं अनबॉक्सिंग एंड डायरेक्ट करते हैं बिलिंग। तो गाइज, सबसे पहले प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड जो प्रोडक्ट फीडबैक है वो मैं काफ़ी लॉन्ग टर्म देता हूँ, मीन्स मेरे जो रिव्यूज़ रहते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म वाले रहते हैं। मैं जब इसको यूज़ करूँगा देन मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या है इसका रिस्पॉन्स। वैसे काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर ने इस कैमरा से स्टार्टिंग किया, और मेरी लाइन में अगर बात करूँ तो एक काफ़ी फेमस यूट्यूबर है, उसने भी यहीं से कैमरा परचेज किया था। तो अली जी, एक बार इसको प्लीज़ ओपन करिए। तो अभी हम देखेंगे बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। ये जो सील्ड है ये कंपनी से सील्ड है सर, ये अगर हट जाएगी, इसको अवार्ड लिखा हुआ आ जाएगा, आप पहचान सकते हो कि सील हटी हुई है। ओके, ये कंपनी से लगता है कि, तो नो इशू। तो गाइस, ये है M50 Mark II मैनुअल।
इसका वारंटी कार्ड है 2 साल। वारंटी कितने ईयर की है इसमें? ओके। ये इसकी स्ट्रैप है, ये रहा हमारा M50 मार्क। पैकिंग पूरा किट है, इसके साथ बैग वगैरह नहीं मिलेगा ना? कुछ नहीं आ सकता, बैग कार्ड नहीं आ सकता, ये अपना M50 मार्क। ओके, तो ये है आपका कैमरा। तो गाइज ये है कार म्यूजिक हब यूट्यूब चैनल का फर्स्ट कैमरा, जो कि आप अब देखेंगे हमारे वीडियोस में अच्छी क्वालिटी, मींस जो 4K क्वालिटी होती है वीडियो की, वो आप देखेंगे। क्योंकि फ़ोन से बहुत सारे वीडियो, मतलब जो स्ट्रगल था वो आई थिंक यूट्यूब का अब ख़त्म हो चुका है, और फर्स्ट स्टेप है जो कैमरे का वो मैंने कवर कर लिया है। तो फर्स्ट कैमरा है, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। और अभी ये क्या है? ये इसका किट लेंस है 15-45। अच्छा, जो हम ब्लॉगिंग करते हैं उसमें ये किट लेंस पर्याप्त है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा लेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? अगर आपको कुछ नीड है थोड़ा, अगर आपको आप लेंस लगा सकते हैं इसके माउंट पे अडैप्टर के थ्रू, आप इसके दूसरे कैनन वाले लेंस भी लग जाए। विदाउट अडैप्टर कोई ऑप्शन नहीं होता? विदाउट अडैप्टर भी ऑप्शन होता है, वो लेंसेज आते हैं थोड़ा कॉस्टली होते हैं। ओके, अप्रोक्स अगर मान लीजिए कुछ शॉर्ट मूवी वगैरह हम इससे शूट करना चाहें तो उसके लिए लेंस इससे होगा? इससे भी होगा, प्लस 50mm लेंस ले सकते हैं जो अडॉप्टर के थ्रू लगा सकते हैं। वो कैनन में क्या प्राइस होगा? 9000। ओके, तो कंप्लीट जो किट है वो ये है, इसमें ये एक पावर कोड है। ओके, और इसमें बैटरी कहाँ है? तो गाइज ये हो चुकी है अनबॉक्सिंग, एंड प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस समथिंग क्या जाएगा इसका? 55। ओके, वैसे अमेजोन पे तो 58,000 रुपीज़ है। तो आप द्वारिका, मीन्स अगर आप दिल्ली में हैं तो द्वारिका से यहाँ, मतलब आई थिंक अमेजोन पे 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क यहाँ आ रहा है, तो आपको ये प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, बाकी अगर आप अमेजोन से लेना चाहेंगे तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर पाएंगे। तो फाइनली गाइज मैंने ले लिया है कैमरा। अब रिस्पॉन्स के लिए आप कार म्यूज़िक अप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस कैमरे से जो वीडियो मैं शूट करूंगा उसकी क्वालिटी पता चलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये है कार म्यूजिक हब, यहां मिलेगा सब।